विराट कोहली आउट, एम्पायर की गलती या खराब किस्मत? क्या 9 बॉल पर आउट हो गए विराट कोहली? क्या है खबर की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं। इससे पहले आप भी विराट कोहली के फैंस तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विराट कोहली विकेट। केकेआर के खिलाफ आरसीबी के मैच में विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए उसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में विराट कोहली को आउट दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। केकेआर वर्सेस आरसीबी के इस मैच में चेस करते समय अच्छी लय में दिख रहे विराट कोहली को कैच आउट करार दिया गया। विराट कोहली ने रिव्यू भी किया और गेंद उसकी कमर से ऊपर भी दिखी, लेकिन उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद तो कोहली का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पहले तो कोहली ने फील्ड अंपायर से बहस की, फिर बाहर जाते समय डस्टबिन पर भी अपना गुस्सा निकाला। सोशल मीडिया पर फैंस भी हैरान रह गए कि आखिर कमर के ऊपर की गेंद पर विराट कोहली को आउट कैसे दे दिया गया। पहली बार में बैटिंग करने उतरी केकेआर के पी सॉल्ट, सरियस अय्यर, रिंकू सिंह और अंद्रे रसल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत 222 रन बना डाले थे। आरसीबी की चेस करने की बारी आई तो ओपनिंग करने आए विराट कोहली ठीक उसी रंग में बैटिंग कर रहे थे जैसी कि वह इस टूर्नामेंट में अब तक करते आ रहे थे। 6 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन बना चुके विराट कोहली तीसरे ओवर की पहली गेंद पर क्रीज से बाहर आए और हर्षित राणा की डीप करती गेंद पर अपनी कमर से लगभग ऊपर ही एक शॉट खेल दिया। गेंद वहीं उठ गई और हर्षित राणा ने कैच ले लिया। किंग कोहली को आया गुस्सा। फील्ड अंपायर ने जैसे ही आउट दिया विराट कोहली ने तुरंत इसे रिव्यू किया। थर्ड एम्पायर ने गेंद की हाइट चेक की, लेकिन वहां से भी कोहली को आउट दे दिया गया। इसी बात पर कोहली भड़क गए कि आखिर कमर से ऊपर की गेंद पर वह आउट कैसे है। उन्होंने इसको लेकर अंपायर से भी अपनी नाराजगी जाहिर की और बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद एक डस्टबिन पर भी उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो आउट था या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।